Hey everyone, finally this is the last part of the history of Kashmir और इसमें आज हम wind up कर देंगे, सारा खत्म कर देंगे history of Kashmir की, जितने भी highlighted points हैं और remaining जितनी भी dynasties बची हैं, Mughal Afghan, then उसके बाद Sikh rule, ठीक है, finally वो discuss करेंगे इस video lecture में सारा, तो चलिए start करते हैं। तो जैसे हमने last video में discuss किया था, finally कि Chak dynasty थी, उसके बाद मुगल्स ने, मुगल की जो आर्मी थी उन्होंने उस पर अटैक किया चक्स आर्मी के ऊपर, और फाइनली उस टाइम पे क्या हुआ कि चक्स हार गए और मुगल्स का जो रूल था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मुगल्स की। तो मुगल्स का जो टाइमिंग पीरियड था, जो रूलिंग पीरियड था, वो था 1586 AD से लेकर 1753 AD तक इनका जो रूलिंग पीरियड रहा। और इनका जो रूलिंग पीरियड था, यू कैन से एक बहुत ही भलाई वाला टाइम, बेनिवोलेंस वाला पीरियड था, जिसमें बहुत सारे चीज़ें जो इनोवेट हुई, रिपेयर हुई, मतलब और इनके टाइम पीरियड में मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे आर्किटेक्ट, आर्ट, गार्डन, बिल्डिंग्स, इन चीज़ों को बनाया गया। ओके, सो मुगल साम्राज्य में, मुगल पीरियड में अकबर को एज अ ग्रेटेस्ट लीडर जो है वो माना गया। ठीक है, और उसके बाद अकबर जो थे वो कश्मीर आए थे 1579 AD में, और 79 AD में, और उस टाइम पे राजा रोडरमल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू सिस्टम को, रेवेन्यू सेटलमेंट किया था उन्होंने उस टाइम पे कश्मीर में, एंड दैट वॉज यूनिफॉर्म विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब जिस तरह से बाकी कंट्री में जिस तरह से चल रहा था, सेम उसी तरह से हर एक जगह पे था, मतलब कुछ कम ज़्यादा नहीं था। तो फाइनली इसमें याद रखने वाला क्या है कि क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अकबर, सो दैट वॉज राजा रोडरमल। ओके, सो फाइनली अकबर ने हरी पर्वत को बिल्ड किया, उसके बाद इन्होंने हरी पर्वत फोर्ट जो था वो बनाया, एंड उसके बाद अकबर जो थे ये 3 टाइम कश्मीर आए थे। ये भी क्वेश्चन आता है वो कितने बार आए थे, और उनकी थर्ड विजिट के दौरान बलिस्ट और लद्दाख जो थे वो भी इनके अंडर आ गए। ओके, सो अकबर जो थे वो अकबर के साथ साथ, मतलब जितने भी मुगल रूलर्स थे उन्होंने गवर्नर के थ्रू, मतलब गवर्नर्स के थ्रू कश्मीर में रूल किया, उन मतलब गवर्नर्स मुगल्स के बिहाफ पे कश्मीर में रूल करते थे। ओके, तो फाइनली 1601 में, मतलब 1601 AD में मिर्ज़ा अली अकबर जो थे ही वॉज द गवर्नर ऑफ कश्मीर, और उसने 1609 AD तक उन्होंने रूल किया। ओके, सो उसके बाद अकबर की डेथ के बाद, जिनकी डेथ हुई थी 1605 AD में आगरा में, उनके बाद जहांगीर जो थे वो एम्परर बने इंडिया के इन 1606 AD में, और जहांगीर अपनी वाइफ क्यून नूर जहान के साथ कश्मीर बहुत बार आए, और उसके साथ जहांगीर ने शालीमार बाग को बिल्ड किया, बनाया। उसके बाद यू कैन से आसिफ खान जो कि नूर जहान के ब्रदर्स थे, उन्होंने निशांत बाग को लेड आउट किया। ओके, मतलब उन्होंने बनाया। उसके बाद जहांगीर की डेथ हुई थी 1627 AD में, और उसके बाद उनकी जो बॉडी थी वो शादरा में लाई गई, यहाँ पर उनकी मतलब उनको दफनाया गया वहाँ पे। तो जहांगीर के बाद शाहजहां जो थे वो किंग बने इंडिया के, और उन्होंने 1658 AD तक रूल किया। देन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स, मतलब मस्जिद वगैरह उन्होंने बिल्डअप की, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो थी उन्होंने की, बट चीफ अमंग दम वो थे चश्मा शाही और परी महल। ये दो चीज़ें जो सबसे वीकन से मतलब चीफ थी उस टाइम पे, जो क्या कहते हैं इन्होंने शाहजहां ने बिल्डअप की थी उस टाइम पे। ठीक है, तो शाहजहां की जो लास्ट विजिट थी कश्मीर में वो थी 1651 AD। ओके, तो उस शाहजहां के बाद औरंगजेब जो थे वो एम्परर बने इंडिया के, और उन्होंने 14 गवर्नर्स को भेजा वैली में वन आफ्टर, मतलब एक के बाद एक को, एंड वहाँ पे भी इन्होंने भी बहुत सारे गार्डन मस्जिद वगैरह वहाँ पे बनाई। और शेफ खान ने शफा कडल जो था वो बिल्ड किया वहाँ पे, और मुगल्स के दौरान जैसे मैंने पहले बताया आर्ट्स क्राफ्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, और शॉल्स जो थे उस टाइम पे वो मेजर आइटम थी एक्सपोर्ट की,
कश्मीर में उस टाइम पे, ठीक है। औरंगजेब के बाद मुगल प्रेस्टीज, मुगल की जो प्रेस्टीज थी मतलब इसका जो दबदबा था उस टाइम पे, वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गया, धुंधला होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी सक्सेसर रहे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, वो सारे के सारे वीक से, जिस कारण धीरे धीरे क्या हुआ, जो इनका कंट्रोल था उन सभी प्रोविंस में, मतलब दूर दराज जो लगते लगते प्रोविंस थे उन पे इनका जो रूलिंग, मतलब इनकी जो पावर थी, कंट्रोल था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, बिकॉज सक्सेसर वॉज नॉट सो मच पावरफुल, दैट्स वाज द रीज़न। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोकल रिवोल्ट होना शुरू हो गए और फॉरेन इन्वेडर्स जो थे उन्होंने इन्वेड करना शुरू किया, एंड एट द एंड इन 1748 में अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया इंडिया में, उसने अपनी फोर्स को भेजा अंडर अजमतुल्ला खान, जिसने कश्मीर को जीता, मतलब कश्मीर को जीतने के लिए भेजा, बट वो सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि अब्दाली पहली बार वो सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड बार उसने फिर इन्वेड किया और 1750 में उसने ऑक्यूपाई कर दिया कश्मीर को, देन उसके बाद 1751 में उसने पंजाब को भी ऑक्यूपाई कर दिया। ओके, सो ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये लिस्ट है उन सभी किंग्स की, अकबर से लेकर अहमद शाह तक, मतलब जिन्होंने अपने गवर्नर्स के साथ रूल किया, जैसे यहाँ पे बताया हुआ, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मुगल जो थे वो अपने गवर्नर्स के बिहाफ पे, मतलब गवर्नर्स मुगल के बिहाफ पे कश्मीर में रूल करते थे। तो अकबर के चार सूबेदार थे उस टाइम पे, जहांगीर के सात, मतलब शाहजहां के छः, और औरंगजेब के 14 गवर्नर्स थे, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके गवर्नर्स थे जो रूल कर, जिन्होंने रूल किया कश्मीर में। ओके, सो नेक्स्ट बात आती है अफगान की, मुगल के बाद बात आई अफगान की। तो अफगान का जो रूलिंग पीरियड था वो था 753 AD से लेकर 1700, सॉरी ये यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक होगी, सॉरी एक्चुअली ये सही है, ठीक है। 753 AD से लेकर, मतलब इन्होंने 1 ईयर ही रूल किया था फर्स्टली, ठीक है। और फिर उसके बाद मुगल्स ने फिर से रिगेन किया, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। अफगान का रूलिंग पीरियड था वो 753 तक ही, मतलब 1 साल ही इन्होंने पहले रूल किया, और अहमद शाह अब्दाली जिसने 5 मंथ तक रूल किया अपने गवर्नर्स के थ्रू, देन उसके बाद 1753 में मतलब इसने इन्वेड किया इंडिया में और इसने दिल्ली को लूटा। देन उसके बाद इसने सेम ईयर में इसने एक आर्मी भेजी अब्दुल्ला खान, जो कि इश्क अकाजी के नाम से, मतलब वो उस टाइम पे कमांडर था उस फोर्स का, कश्मीर को जीतने के लिए। उस टाइम पे बैटल हुई थी शोपियान में, वेयर मुगल फोर्सेस वर डिफीटेड एंड अफगान एंटर्स श्रीनगर, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। देन उसके बाद फिर अफगान का जो रूल था वो स्टार्ट हुआ, यही बताया हुआ कि जो इवेंट था उस टाइम पे मुगल्स का वो एंड हो गया कश्मीर में। देन मुगल्स रूल इन कश्मीर अप टू 1819 AD तक, मतलब ऑलमोस्ट 67 ईयर्स तक। अब कैसे वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या हुआ, अभी अफगान चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट इन्होंने 67 ईयर तक इन्होंने रूल किया अपने 28 गवर्नर्स के थ्रू, और जो फर्स्ट गवर्नर था कश्मीर का वो था अब्दुल्ला खान इश, और उसने ही लेट लॉस रिजीन ऑफ टेरर इन द कश्मीर, और हराज, मतलब इस बंदे ने क्या किया कि अपने अपने रूलिंग पीरियड के दौरान इसने इतना टेरर मचाया दिल्ली में, और लोगों को, मर्चेंट को, जमींदारों को इतना हराज किया, जिस वजह से कश्मीरी लोगों के बीच में, मतलब अगेंस्ट अफगान, एक एक कहते हैं ना डिसकंटेंट, मतलब एक रोष पैदा होना, वो राइज हो गया, ठीक है। तो अफगान के बाद अगेन मुगल्स जो थे वो आए, ठीक है। तो देखो वहाँ मैंने कहा आपको 753 से लेकर 753, तो वो टाइमिंग पीरियड बेसिकली 5 महीने का जो अब्दुल्ला ने जो किया वो सही था, ठीक है। उसके बाद मुगल्स ने फिर से क्या किया कि इसको रिकैप्चर कर दिया, उसके बाद फिर अफगान रूल आया जो 1819 AD तक चला, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना उन डेट्स में कि पहले मैंने 1 साल बोला, देन उसके बाद मैं 1819 AD तक ले गया, आप सोच रहे होंगे क्या बोला, ठीक है। वो मैंने पहले, उन्होंने 5 महीने 1 साल उन्होंने रूल किया, देन उसके बाद फिर से मुगल्स आए। अब कैसे आए, देखो देखो उसके बाद क्या हुआ, आलमगीर ने क्या किया 1753 में, इसने फिर से उसको जीत लिया, ठीक है, रिकन्क्वर किया, और अप टू 762 AD तक इसने रूल किया
थ्रू राजा सुख जीवनमल, जो कि उस टाइम पे ये गवर्नर थे कश्मीर में. ओके सो एक कश्मीरी नोबल था अब्दुल हसन खान बंदे, जो सुख जीवन राम के साथ मिलकर इसने क्या किया, अफगान डिप्टी गवर्नर जो था अब्दुल्ला खान उसको मार दिया, और सुख जीवन राम जो था वो उस कश्मीर का रूलर बन गया. समझ आई अब? मतलब 1753 AD में क्या हुआ, अब्दुल्ला खान जो था वो गद्दी पे बैठा, ठीक है, एक 5 महीने ही उसने रूल किया. उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर का एक बंदा था अब्दुल हसन खान, उसने सुख जीवन राम के साथ मिलकर उसने उसको मार दिया. फिर मतलब सुख जीवन जो था वो गद्दी पे बैठा, आलमगीर ने ही रूल किया. सुख जीवन रूल वहाँ पे रूल करा था एज अ गवर्नर, जैसे मैंने पहले कहा कि मुगल जो थे वो खुद रूल नहीं करते थे, वो गवर्नर्स के थ्रू वहाँ पे रूल करवाते थे. ओके तो फिर उसके बाद मुगल्स के बाद फिर से अफगान जो थे आए, और इस टाइम अफगान ने 762 AD से लेकर 1819 AD तक रूल किया. और अब अहमद शाह अब्दाली कुछ टाइम के बाद इसने फिर से कश्मीर को जीता, और नूरुद्दीन जो थे उनको वहाँ का गवर्नर बना दिया. ये इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद अफगान जो थे इन्होंने गवर्नर्स के थ्रू से इन्होंने रूल किया वहाँ पे, और इनके टाइम पीरियड के दौरान कश्मीर में शिया सुन्नी एकाएक कन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे. तो अब्दाली की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 772 AD में, और उस टाइम पे तैमूर शाह दुरानी जो थे वो केम टू काबुल्स थ्रोन. ओके तो अफगान रूल अफगान गवर्नर जो थे अमीर खान जवानशीर, इन्होंने अमीरा कडल को इन्होंने बिल्ड किया था. देन उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर थे वो थे करीम डाट खान, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब क्रूल थे, ख़तरनाक थे. और करीम डाट के बाद उनका बेटा जो था आज़ाद खान, वो अपने बाप का भी बाप था, मतलब वो उससे भी ज़्यादा जालिम था, ठीक है, और वो गवर्नर बना. देन उसके बाद आज़ाद खान के बाद इट वॉज़ मोहम्मद खान जो न्यू गवर्नर बना, और इस बंदे ने मतलब कुछ अच्छा करना स्टार्ट किया, ठीक है. और इसके बाद अटा मोहम्मद खान जो थे सम्राट, उसने मतलब थोड़ा बहुत पीस जो था वो रिस्टोर किया कश्मीर में. इसने मतलब एग्रीकल्चर, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में बूस्टअप किया, और ही वॉज़ वेरी पॉपुलर एंड सून ही डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस. ओके तो उसके बाद फतेह मोहम्मद खान जो था वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, उसने एक पैक्ट बनाया महाराजा रणजीत सिंह के साथ, जो कि पंजाब के रूलर थे उस टाइम पे. तो वो क्या था कि उनकी फोर्सेस और रणजीत सिंह की फोर्सेस जो थी वो एंटर करेंगी कश्मीर में, और जबर खान जो कि लास्ट अफगान रूलर था कश्मीर का, व्हेन रणजीत सिंह ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब इन दोनों की फोर्सेज ने मिलकर जब अटैक किया, तो उस टाइम पे अफगान का जो लास्ट रूलर था वो कौन थे, जबर खान. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था. उसके बाद 1819 में सिख सोल्जर ने अटैक किया कश्मीर में, और फिर उसके बाद जो कश्मीर का रूल था वो चला गया इन द हैंड ऑफ सिख आफ्टर 500 ईयर्स. ओके मतलब 5 साल की मुस्लिम डोमिनेशन के बाद फाइनली 1819 AD में जो कश्मीर का जो रूल था वो सिख रूलर के हाथों में चला गया. ओके तो अब हम बात करेंगे सिख रूल की, और सिख रूल की जो शुरुआत हुई थी वो थी 1819 AD से लेकर 1846 AD तक इनका रूलिंग पीरियड रहा, ठीक है. सो इट वाज द स्टेज दैट महाराजा रणजीत सिंह वाज रिक्वेस्टेड. देखो एक्चुअली स्टेज में क्या था, मैं आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं. क्या हुआ कि एक दो नोबल दो बंदे थे, एक था पंडित बिरबलदार और दूसरा था पंडित रजकदार, ठीक है, दोनों कश्मीर के थे. इन्होंने रिक्वेस्ट की महाराजा रणजीत सिंह को कि कश्मीर को टेक ओवर कर दे. तो फाइनली क्या हुआ, ये दो दार हो गए, और विद हेल्प बाय 3 मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिमों, मतलब 3 और कश्मीरी मुस्लिम थे जिन्होंने हेल्प की, और फाइनली महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को जीता और इनको अपने डोमिनेशन में मिला दिया 1819 AD में. ओके मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. देखो होता क्या है कि एक लाइन में जब वो कहते हैं ना कि वहाँ पे चला गया, जब फिर जब मतलब रूल उनके बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे मैंने लास्ट ही आपको बता दिया कि 1819 AD में जो रूल था वो सिख रूलों के हाथ में चला गया. अब हम सिख की बारी पढ़ने लगे मतलब, तो ये इंट्रोडक्शन फिर से वही कहानी होती है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना. देन उसके बाद मतलब वाई 1834 AD में लद्दाख जंस्कर और बलिस्तान जो था वो भी रणजीत सिंह का किंगडम का हिस्सा बन गए, क्योंकि उस टाइम पे
इनके जो मतलब इनकी जो क्या कहते हैं उसको, आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो थे जोरावर सिंह कहलूरिया और आपके राजा गुलाब सिंह, ठीक है। तो इनकी मदद से ये जो बाकी जो रिमेनिंग जगहें थी लद्दाख, जंस्कर, बलिस्तान, ये भी पंजाब किंगडम के साथ मिला दिए गया फाइनली 1846 AD में। ओके, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 27 ईयर कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, मतलब ये जो 27 साल इन्होंने रूल किया उस टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट 10 गवर्नर जो थे सिख गवर्नर वो अपॉइंट किए गए बाय लाहौर दरबार, एंड जो लास्ट वाले जो 2 गवर्नर थे वो मुस्लिम थे। और जितने भी गवर्नर थे उनमें से जो मतलब चीफ थे, मतलब ज़बरदस्त प्रोमिनेंट वीकेंड थे, वो थे मिशर दीवान चंद हो गया, उसके बाद दीवान मोतीराम, हरी सिंह, नालवा दीवान कृपा राम और प्रिंस शेर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट 1818 AD में कश्मीर जो था वो पार्ट बन गया आपका लाहौर दरबार का, एंड बाय 1834 AD में लद्दाख, जंस्कर, बलूचिस्तान जो था वो भी जीत लिया सिख कमांडर वजीर जोरावर सिंह कहलूरिया ने। देन उसके बाद कश्मीर जो था वो पार्ट रहा सिख किंगडम का ऑलमोस्ट 27 ईयर। तो गाइज ये वही कहानी है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो फाइनली यू नो रंजीत सिंह जो थे इनकी डेथ हो गई 1889 AD में, और फिर उसके बाद 1842 AD में शेख गुलाम मोहम्मद जो थे उनको वो अपॉइंट हुए एज अ गवर्नर ऑफ कश्मीर। सो इट वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड राजा गुलाब सिंह डोगरा यू नो बिगन टू थिंक अबाउट, देखो जब शेख गुलाम मोहम्मदुद्दीन जब दे अपॉइंट हुए एज अ गवर्नर ऑफ कश्मीर, उस टाइम पे राजा गुलाब सिंह, जैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जम्मू में आपको पढ़ाया था कि इनको जब इन्होंने वो खोखर के जो उसके चीफ थे, मतलब उसको लीड कर रहे थे, क्या कौन थे वो, जब उनको मारा तो राजा ने गुलाब सिंह को एक राजा का टाइटल दिया और इनको अलग वजीर बना दिया, वजीर इन द सेंस कि इनको राजा का खिताब दिया और इनको अलग टाइटरी दे दी कि तू इस पे काम कर, ठीक है। बस राजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद जब गुलाम हमीदुद्दीन को इनको गवर्नर बनाया गया कश्मीर का, तो फिर उस टाइम पे राजा गुलाब सिंह ने जो कि डोगरा महाराजा थे उस टाइम पे, इन्होंने सोचा कि कश्मीर को इनको अपने किंगडम मतलब जम्मू किंगडम में मिला दिया जाए। तो शेख गुलाम अहमदीन उदिल्ला उसके बाद उनके जो बेटे थे शेख इमान उद्दीन वो गवर्नर बने कश्मीर के, और इसके बाद मतलब शेख गुलाम मोहम्मद ने जो जामा मस्जिद के जो गेट थे वो ओपन कर दिए जो मतलब क्लोज थे सिंस 1819 से, ठीक है। सो नेक्स्ट अब बात करें तो मतलब ड्यूरिंग सिख रूल कश्मीर जो प्रोविंस था वो डिवाइड था 6 प्रगांस में, और हर एक प्रगान जो था वो अंडर कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू फॉर्मर, और उसके बाद मतलब जितने भी प्रगान थे वो हर वो अंडर होते थे एक सिख कोतवाल के जो एक्ट करते थे एज अ पुलिस ऑफिसर। देन 1845 AD में सिख गवर्नमेंट जो थी वो मतलब एक बार में प्लग्ड हो गई विद द ब्रिटिशर्स इन द इन विच जिनमें सिख जो थे वो हार गए, और ब्रिटिश फोर्सेस फोर्स सिख टू साइन अ ट्रीटी विद महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। मतलब 1848 में क्या हुआ कि सिख गवर्नमेंट सिख की लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर जीत गए, देन उसके बाद वहाँ पर एक पैक्ट साइन हुआ राजा गुलाब सिंह के साथ, और उसके बाद जो लास्ट सिख गवर्नर था कश्मीर का वो थे शेख इमामुद्दीन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद 16 मार्च 1846 में कश्मीर लद्दाख और गिलगित के साथ ट्रांसफ़र हो गया महाराजा गुलाब सिंह जो कि डोगरा किंग थे जम्मू के, और उसके बाद फाइनली ये जो स्टेट है जम्मू कश्मीर ये के मतलब एग्जिस्टेंस में आई, मतलब प्रॉपर जम्मू कश्मीर जो थी उस टाइम पे एक स्टेट बनी। समझ आई कहानी? चलो अब मैं आप फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हुआ क्या है कि डेथ के बाद गवर्नर मैंने बता दिया लास्ट गवर्नर जो था शेख इमामुद्दीन, ठीक है। तो हुआ क्या फिर मतलब 1845 में सिख जो गवर्नमेंट थी उनकी लड़ाई हुई ब्रिटिशर के साथ, ब्रिटिशर्स जीत गए, फिर ब्रिटिशर्स ने क्योंकि उस टाइम पे लीड कर रहे थे राजा गुलाब सिंह, ठीक है, फिर महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, गुलाब सिंह लीड कर रहे थे, तो फिर ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं,
ठीक है, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि 16 मार्च 1846 में जो कश्मीर था, कश्मीर बेसिकली अलग उस टाइम पे स्टेट थी, आपको भी पता है, ठीक है, जम्मू अलग था। तो जब महाराजा गुलाब सिंह के साथ पैक्ट हुआ, साइन हुआ, तो फिर उसके बाद जो कश्मीर, लद्दाख और गिलगित के साथ डोगरा रूलर ने इनको मिला दिया, और उसके बाद फाइनली जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी वो एग्जिस्टेंस में आई। ओके सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एंड आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया होगा वो आपको समझ आया, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को पहले मतलब छांट के बनाया हुआ है, क्योंकि बुक में इतना गंदा लिखा हुआ था और इतना क्लमसी लिखा हुआ था। बट आई एम श्योर कि अगर आप लेक्चर देखोगे ना और उसके बाद आप थोड़ा बहुत मतलब रीड आउट करोगे ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ओके सो फाइनली थैंक यू सो मच गाइस।